फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ना अभी शाम का टाइम हो रहा है, साढ़े चार हो रहा है। तो ना मैं आज इसी टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं सुबह से शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरे हस्बैंड खाना बनाए थे, सब्जी दाल चावल। उन्होंने ही बोला कि चलो आज मैं खाना बनाता हूँ, तो मैंने इसीलिए शूट नहीं किया। तो अभी आई हूँ शाम को सोचे नूडल्स बना देती हूँ। वैसे भी मेरे बेटे को थोड़ा पसंद है नूडल्स, वैसे छोटे बच्चों को नहीं खिलाते हैं पर थोड़ा बहुत खिला देते हैं कभी कभी। छोटे बच्चे को नहीं खिलाते हैं नूडल्स, लेकिन सब्जी ज़्यादा डाल दी तो खिला सकते हैं, तो वो थोड़ा सा खा लेगा और उसको भूख भी लगी क्योंकि वो दोपहर में तो सोया ही नहीं, तो उसे भूख लगी होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज नूडल्स बना दूँ, चाय बना लूँ, शाम की टाइम है। और रात को तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ही नूडल्स बना रही हूँ, बच्चे के लिए बना रही हूँ और अपने लिए बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को नूडल्स पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपल से मसाले ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें टमाटो सॉस, केचप ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रही हूँ। बस मैंने इसमें नूडल्स का जो पाउडर आता है, नूडल्स मसाला, वो ऐड किया क्योंकि मुझे इसे बच्चे को खिलाना है। आगे मैं डिनर में बनाने वाली हूँ बिरयानी। तो बिरयानी मैं बनाने वाली हूँ एक कोहिनूर बिरयानी किट करके है, जो ऑनलाइन आया था, जो इससे प्रीवियस वीडियो में जिसके बारे में फुल डिटेल मैंने डाला हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक उसी का जो राइस है उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 बार और उसको मैं आधे घंटे अभी भिगा के रखूँगी। और इसकी सारी रेसिपीज़ इसमें दी हुई है और यही वो बिरयानी किट मसाला है, पूरा बिरयानी किट है। इसमें राइस आया था, इसमें खड़े मसाले आए थे और ये बिरयानी मसाला आया था। तो मैं सबसे बड़ा वाला बर्तन लूँगी और उसी में राइस को मैं पकाने के लिए डालूँगी। तो मैंने ना इसमें 3-4 प्याज काट कर लिए हैं फाइनली चॉप्ड और इसमें सब्जियाँ कट कर ली। सब्जियाँ आप अपनी मनपसंद की डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर गोभी, शिमला मिर्च, आलू, गाजर ये सब डाला हुआ है। गाजर वगैरह आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन को भी उबाल लिया अच्छे से और उसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पे राइस डाल रही हूँ पकने के लिए। तो उधर राइस मेरी पक रही है और उसमें मैंने खड़े मसाले भी ऐड किए और इधर मैंने एक कढ़ाई में लिया है अनियन और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने कम तेल यूज़ किया है और ये देखिए मैंने इसमें खड़े मसाले भी ऐड कर दिए। और इसमें खड़े मसाले ज़रूर ऐड कीजिएगा, तभी राइस में फ्लेवर आएगा आपका। अब इधर मेरी राइस को पूरी डन नहीं करनी है, हमें सिर्फ 80% तक के ही राइस को पकाना है। और इधर राइस पक चुकी है और मैंने इसका पानी निकाल लिया, स्ट्रेनर में मैंने अच्छे से इसे ड्रेन कर लिया। इधर मेरा अनियन भी फ्राई हो चुका है, मैं उधर साइड कर चुकी हूँ। और ये इधर मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैं ये ऐड करूँगी सारी सब्जियाँ। बट इसमें लिखा हुआ है कि मसाला आपको ऐड करना है, बट मैंने यहाँ पर सब्जियाँ को हल्की सी थोड़ी सी तेल में भूना है क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा मैंने रेसिपी को चेंज
चुकी है लेकिन आप इसमें मसाला ऐड करके आप अपनी सब्जियां ऐड करके पका सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। बट मैं सब्जी पहले ऐड करके मैं 10-15 मिनट के लिए इसे थोड़ी सी नमक डाल के इसे ऐसे ही भूनूंगी। तो मैंने यहाँ पे तेल यूज़ किया और सारे मैंने सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। अब मैं सब्जियां निकाल रही हूँ और फिर मैं इसी कढ़ाई में उसी जो मसाले को मैं जो दिखा रही हूँ उसको ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारा मसाला ऐड कर दिया। देखियो इसमें अच्छे से मसाला है और इसका मतलब जब मैं इसे बना रही थी ना तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने इसे ना 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे ही भूना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें सारी सब्जियाँ ऐड करके 5 मिनट के लिए भूना है इसको ऐसे ही। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी नमक तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, मैंने राइस में नमक ऐड किया था और हल्की सी सब्जियों में नमक ऐड किया था। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कीजिए, बट ये मसाले में ऑलरेडी नमक ऐड है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी उतना जितना मुझे इस सब्जियों को पकाना है और फिर इसे इसमें 10 मिनट के लिए इसमें पकने के लिए बोला है। तो मैं यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसे पका लूँगी सब्जियों को। सब्जियाँ गल गई हैं देखिए और अच्छे से इसमें कोट हो गई है वो मसाले। अब मैं इस जो भी मैंने ये रेडी किया है उसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब फिर हम इस चावल को दम देंगे। तो मैं दम तो इसी कढ़ाई पे ही देने वाली हूँ, आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं दूसरा बर्तन। तो मैं इसी कढ़ाई पे ही दम देने वाली हूँ। तो सबसे पहले दम देने के लिए मैंने गैस बंद कर लिया है। सबसे पहले मैंने राइस का एक लेयर लगाई है, उसके बाद फिर मैंने ये सब्जियों और जो फ्राइड अनियन का एक एक लेयर लगाया है और उसके बाद मैंने उसमें डाला है रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर। बट इसमें रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर ऑलरेडी मिला हुआ है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डबल लेयर की है राइस की और फिर ये सब का फिर से डबल लेयर करके मैंने इसमें रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर और आपको इसमें हरी धनिया पत्ती कटी हुई, हरी मिर्च और मिंट के लीफ भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं अवेलेबल थे इसलिए मैंने नहीं किया। और ऊपर से घी डालिए और थोड़ा सा शाही बिरयानी मसाला का थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए। फिर आप इसे 10 मिनट के लिए दम दे दीजिए लो फ्लेम पर। अब मैंने गैस ऑन करके लो फ्लेम पे दम दे दिया। अब जब तक मेरा बिरयानी दम पे है तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे जो मेरा पूजा रूम था वो थोड़ा सा फैला नहीं हुआ था एक्चुअली मैंने वहाँ से सामान निकाल के इधर ला के रखा हुआ था। बच्चे के खिलौने वगैरह भी थोड़े से इधर उधर मैंने जमा लिए थे। तो मुझे कुछ सामान ना अपने अलमारी के ऊपर रखनी थी तो मैं इधर उधर से थोड़ी सी सफाई कर ली। 10 मिनट का टाइम था, बस 10 मिनट में मैंने फटाफट ये वाले काम भी कर लिए और वो मेरा मंदिर जो मेरा ईशान कोण में ही है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सफाई कर ली और ये जो मेरे बेटे का एक खिलौना दिख रहा है मैट, ये भी काफ़ी अच्छा है बट अभी वो यूज़ नहीं करता, इसको थोड़े दिन बाद वो इसको यूज़ कर लेगा। और रेडी हो गई हमारी बिरयानी। आज वेज बिरयानी बनाया है, मैंने चिकन बिरयानी बोला था प्रीवियस वीडियो में बट मेरे पास चिकन नहीं था तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, मैंने चिकन ऑलरेडी खाया था तो मैंने सिर्फ वेज बिरयानी ही बनाई। आप इसमें वेज की जगह पे चिकन भी डाल सकते हैं तो आपकी चिकन बिरयानी भी रेडी हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और ये देखिए बिरयानी कितनी अच्छी बनी है।
और ये फटाफट बनने वाली बिरयानी है, मतलब आपको इसमें मसाला प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको सब्ज़ी प्रिपेयर करनी है। राइस भी इसमें मिलता है, खड़े मसाले भी मिलते हैं, मसाला तो मिलता ही है, और बन गई आपकी घर ही में बिरयानी। और ये लगभग ना 70 या 80 रुपए की है ये किट। और आप में से मतलब हमने जितनी चावल बनाई थी, हमने पूरी ही बनाई थी, तो इसे लगभग 3 लोग को आप सर्व कर सकते हो, तो मतलब 3 लोग की बिरयानी आपको 60-70 रुपये में मिल गई।